यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को, सजाए मौत। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो। मैं कहता हूँ सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए, तो मारिए ना, सारी की सारी खाली कर दीजिए। हो सकता है एक हाथ मुझे छेदकर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय, तू जानता है माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। हट जा। अरे जिम, रवि वर्मा, ओके सिंगल सर। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। वो मुझे क्यों मारना चाहता है? रवि, तुम ये सब मत सोचो। वकील कितने मुकदमे जीतते हैं, एक आधा हार भी जाते हैं, कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी। काजल जी, तुम रवि को संभाल कर घर ले जाओ, देखना ये परेशान ना। काजल, ये ना हो सके बेना, मन्ने थारी जगह चाहिए को नहीं, मन्ने तो कजरी, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। देखो, तुम ही मेरे रवि को बचा सकती हो, पूजा को माँ का प्यार दे सकती हो, देखा है मैंने। इतना उपकार कर दो बहन, मेरे उजड़े घर को बसा दो, बन जाओ कजरी से काजल, बन जाओ कजरी से काजल। काजल, कुछ कमी है? हाँ, अब तुम बिल्कुल पहले जैसे रवि दिख रहे हो। बस एक बात नहीं है, पहले तुम इतना मुस्कुराते नहीं थे, धीरे धीरे से बिल्कुल पहले जैसा रवि बना रहा है। बनाना जरूर बनाना, लेकिन ये जो नई बात देख रहे हो इसे मत मिटाना। आओ बेटे चले। अच्छा ताई, चरणामृत? हाँ। क्या हुआ बिटिया? बिटिया नहीं ताई, आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगी है। भगवान करे वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं फिर से अपनी दुनिया में लौट जाऊं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ना होने की ना, राम कसम। वेलकम रवि, आ गया हमारा बब्बर इस जंगल में फिर से राज करने के लिए। अरे हम तो बाहों का हार डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में। अच्छा सुना है कि ससुरा करण का बच्चा पकड़ा गया, मैं तो सीधा माता के मंदिर चला गया था माथा टेकने। चलिए, अच्छा हुआ करण पकड़ा गया, छोड़ना नहीं जवाई बाबू, छोड़ना नहीं, सीधा फांसी पर लटका देना करण को इस बार। रवि बाबू, अपनी दादर वाली चाल का मामला एक बूढ़ा बूढ़ी की वजह से अटका हुआ है, एक झूठा केस ठोक के फेंक दो उन दोनों को। झूठा केस? ये लो और सुनो। अरे जवाई बाबू, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये बंगले, ये सानो सौकत, ये सब झूठा ही की बदौलत तो है ना। अरे भाई थोड़ा सांस लेने दो। रवि,
ये हमारे होटल का मॉडल, ये उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुमने आग लगवाई थी। और ये है अपना सीफेस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गिरवा दिया था। अफसोस वो पुरुषोत्तम नहीं रहा जिसका ये सपना था। ये टॉप फ्लोर का पेंट हाउस मेरा ही है ना। चीयर्स। उसने मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है, पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे, जी भर के उसका नाच देखते रहना। समझा? चल चल। नहीं काजल, बस काजल, ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान किया उन लोगों ने। ये लोग अच्छे लोग नहीं है काजल, ये ना। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ शायद हूँ। पता है वो करण मुझ पे क्यों गोली चलाना चाहता था? क्योंकि तुमने उसके ईमानदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो मैं बताना चाहता हूँ काजल, उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी। ये लोग ये बात अपने मुंह से कह रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे कभी रोका नहीं। क्यों काजल, क्यों? हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। हाँ, मुझे याद आया, रोका था तुमने। तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापों की सजा तुम्हें दे, और वही हुआ। करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहां? माजी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं। माजी, मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माजी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती मां, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे? आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था, गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा, मैं कौन होती हूं किसी को सजा देने वाली। कौन है वो? बोल।
अपनी ताई से मत छुपा मेरी बच्ची। क्या वो रवि तो नहीं? हाँ, सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गई। तो फिर वो काजल नहीं, कजरी है। और हाँ, है तेरी काजल का दूसरा रूप। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। सच्चाई तो एक ना दिन सामने आनी ही थी रवि। बड़ी तपस्या की है कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। माफ करना मेरे दोस्त, इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म या काजल के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया। अब देखो अपने आप को, सिर्फ शरीर ही नहीं, ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नई हो गई है। संभालो अपने आप को, मुश्किलें तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में। सारी जिंदगी तुमने झूठ का सहारा लिया है, सच का सामना करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना। बट वेल, अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। बैड लक, बट बेस्ट ऑफ लक। सारे मोहल्ले की औरतों ने चांद देखकर खाना खा लिया, लेकिन एक तेरा ही करवा चौथ अनोखा है। सवेरे से भूखी बैठी है, कुछ खा ले। नहीं ताई, अभी तो आते ही होंगे ना, उन्हें देख लूं, फिर खा लूंगी। अब ना सुनती मैं तेरी पगलोई, कुछ खा ले, तब ना मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ। इस बच्चे की इतनी फिक्र मत कीजिए ताई, पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं, कजरी हूं, एक नाचने गाने वाली बाजारू औरत। तब क्या उस बच्चे को स्वीकार करेंगे? करना पड़ेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कजरी, क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? अपना सब कुछ तो नौछावर कर दिया उसे बचाने के लिए। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्वीकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो। जवाई राजा, तुम कब आए? बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। पहला नेवाले अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगूं। यहाँ दस्तखत कर दीजिए, ये आपकी जमानत के कागजात हैं। इतने सारे रुपयों का इंतजाम माँ ने कहाँ से किया? ये जमानत माँ जी ने नहीं दी है। फिर? इन्होंने दी है, मिस्टर रवि वर्मा। इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील, कि सत्य प्रकाश के खानदान में कोई रिश्वत नहीं लेता। ये रिश्वत नहीं है, मेरी गलती का छोटा सा जुर्माना है। बाकी जो भी और सजा तुम मुझे दोगे, मैं उसे सर झुका के कबूल कर लूंगा। नाटक मत कर वकील, तेरे ये हथकंडे मैं खूब समझता हूं। पछतावा हो रहा है तुझे? प्रायश्चित करना चाह रहा है तू? अरे डर रहा है तू, डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। अज्ञान भैया! अरे हाँ, मारूंगा मैं तुझे, और इस बार दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। आप ठीक है ना सर? सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे, जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील, अगर मैं मर गया तो तू जी गया,
अगर मैं जी गया तो तुम मर गया।